सेप्रोफिटिक प्लांट अब चलो ये अपने पास क्या है हम जानते हैं कि प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूसर ही है प्लांट प्रोड्यूसर हम जानते हैं कि प्लांट क्या है प्रोड्यूसर है वो अपना खाना खुद बनाते हैं लेकिन सेप्रोफिटिक प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो डेड डेडिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से फूड डेराइव करते हैं सेप्रोफाइट जानते हैं ये ऐसे प्लांट दो प्लांट दोज प्लांट्स विच ऑप्टेन देअर फूड विच ऑप्टेन देअर फूड फ्रॉम डेड टिकेइंग मेटर मतलब ये ऐसी जगहों पर ग्रो करते हैं सड़े गले पदार्थ जो होते हैं ऐसी जगहों पर ग्रो करते हैं डिके ऑर्गेनिक मैटर से इनको हम लोग कहते हैं इसका बेस्ट एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है monotropa. हर examination में ऐसे पूछे जाते हैं को Indian pipe plant के नाम से जानते हैं इंडियन पाइप प्लांट के नाम से जानते हैं इंडियन पाइप प्लांट वेरी वेरी आई एम पी मोनोट्रापा नाम सुना है आपने ठीक है नियोसिया नियोसिया प्लांट भी देखिए ये सब एग्जाम में बार बार आते रहते हैं इसलिए देखो पैरासिटिक प्लांट हुआ एंडेमिक स्पीसीज हुआ ठीक है सेप्रोफिटिक प्लांट हुआ इंसेक्टिवरस प्लांट हुआ ये सब आप एकदम समझिए कि जुबान पे होना चाहिए हाँ नियोसिया को बर्ड नेस्ट प्लांट के नाम से जानते हैं ये एक तरीके का आर्किड है बर्ड नेस्ट प्लांट बर्ड नेस्ट फंजाई देखो अलग होता है बर्ड नेस्ट फंजाई जो है हम लोग उसको कहते हैं दैट इज वो बेसिडियोमाइसिटीज का ये क्या है ये एक आर्किड की स्पीसीज है आर्किड स्पीसीज ठीक है तो मोनोट्रापा हो गया नियोसिया हो गया गैलियोला हो गया ठीक है ना गैलियोला भी एक आर्किड की स्पीसीज है गैलियोला अ स्पीसीज ऑफ आर्किड आई स्पीसीज ऑफ आर्किड ये भी एक आर्किड की स्पीसीज है ठीक है डाइपोडियम डाइपोडियम ये भी एक आर्किड है ये भी एक आर्किड है मतलब आप कह सकते हो ये सब क्या है ये इसको हम लोग डाइपोडियम को हायसिंथ आर्किड के नाम से जानते हैं हायसिंथ ठीक तो मोनोट्रापा हो गया नियोसिया हो गया गैलियोला हो गया डाइपोडियम हो गया ये चार ऐसी स्पीशीज आपको याद है जिसमें से हाँ जिसमें से आपको बार बार आपसे ये पूछा जाता है मैम कुछ पूछ सकते हैं अगर आप रिप्लाई कर पाए अभी तो पूछिए सिद्धार्थ जी कोई दिक्कत नहीं है पूछिए तो इसमें से मोनोट्रापा और नियोसिया तो समझिए एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है नियोसिया और मोनोट्रापा ये सब क्या है सेप्रोफिटिक प्लांट है फटाफट बताने की कोशिश करिए क्या सभी को सेप्रोफिटिक प्लांट समझ में आ गया सभी को सेप्रोफिटिक प्लांट समझ में आ गया डन है अब चलिए आगे चलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे इसके बारे में बात करते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्टिवोरस प्लांट अब एकदम अच्छे से समझना इंसेक्टिवोरस प्लांट बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ से भी बार बार सवाल आते हैं और हम जब प्लांट मार्फोलॉजी पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे भी कि यहाँ पे ट्रैप लीफ पाई जाती है ठीक है कैसी लीफ पाई जाती है ट्रैप लीफ पाई जाती ट्रैप लीफ फाउंड जो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं ये हम मार्फोलॉजी में भी हम लोग इसको पढ़ेंगे ठीक इंसेक्टिवोरस प्लांट अब इंसेक्टिवोरस प्लांट देखिए सबसे पहली बात कि ये इंसेक्टिवोरस प्लांट क्यों कहलाते हैं क्योंकि दे ग्रो बार बार समझिएगा दे ग्रो इन ऑक्सीजन सॉरी नाइट्रोजन डेफिशियंट एरिया नाइट्रोजन डेफिशियंट सॉइल या नाइट्रोजन किस फॉर्म में नाइट्रोजन डेफिशियंट का मतलब नाइट्राइट डेफिशियंट सॉइल क्योंकि सॉइल में नाइट्रोजन मोस्टली इसी फॉर्म में प्रेजेंट होता है नाइट्रेट डिफिशियंट सॉइल अब हाँ अगर नाइट्रेट डेफिशिएंट सॉइल में या नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में प्रेजेंट हैं तो इनको अपनी नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन कहां से लेते हैं तो ये क्या करते हैं दे फीड अपॉन दे फीड अपॉन इंसेक्ट दे फीड अपऑन इंसेक्ट ये इंसेक्ट पे फीड करते हैं टू फुलफिल द नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट टू फुलफिल द नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं इंसेक्ट को खाना शुरू कर देते हैं और इंसेक्ट को फीड करते हैं इसीलिए इनको इंसेक्टिवरस प्लांट कहते हैं और इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने के बाद जो उनकी प्रोटीन्स होती हैं उससे अपनी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को फुलफिल कर लेते हैं तो इससे हम एक बात कंक्लूजन निकाल सकते हैं अच्छा ऐसा नहीं कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं ठीक है इसके लिए देखिए

एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ठीक अगली बात अगर हम बात करें कि अब सोचो ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और ये इंसेक्ट को भी खाते हैं तो ये क्या है ये ऑटोट्रॉप भी हैं एज वेल एज हेट्रोट्रॉप्स भी है ऑटोट्रॉप्स well भी हैं एज वेल एज हेट्रोट्रॉप्स भी है ठीक इनको हम कह सकते हैं कि भैया ये प्रोड्यूसर भी हैं प्रोड्यूसर्स भी हैं एज वेल एज एज वेल एज कंज्यूमर भी हैं। अच्छा कंज्यूमर में ये कौन सा कंज्यूमर है आप हमें बताइए ये प्राइमरी कंज्यूमर है कि सेकेंडरी कंज्यूमर है हाँ अब समझना आप मेरी बात को जरा ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये है आपका ट्रॉफिक लेवल ठीक ये ट्रॉफिक लेवल है आप बताओ तो अगर आपने एक ग्रास आ, ये चीज यहाँ पे बना दिया यहां पे प्रोड्यूसर होता है मतलब ग्रासेस होते सपोज करो यहां ग्रास ग्रास को खाने वाला इंसेक्ट होता है और इंसेक्ट को खाने वाला यहां होगा अच्छा ये आपका ये तो आपका क्या हो गया ये प्रोड्यूसर हो गया प्रोड्यूसर के बाद ये प्राइमरी इंसेक्ट क्या हुए प्राइमरी कंज्यूमर हुए और इंसेक्ट को जो खाता है वो सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ कि नहीं हुआ सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ ठीक है तो आपके जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है इंसेक्टिवोरस प्लांट आप हमें बताओ कि ये क्या है ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है मतलब प्रोड्यूसर है एंड सेकेंडरी कंज्यूमर है क्या है प्राइमरी प्रोड्यूसर है और सेकेंडरी कंज्यूमर है अच्छा जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो क्या है जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो प्राइमरी कार्निवोर है कि नहीं पहली बार जो इंसेक्ट को खाए, इंसेक्ट तो हर भी वोर में आ गए इंसेक्ट तो हर भी वोर में आ गए तो जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो प्राइमरी कार्निवोर है कि नहीं तो इंसेक्टिवोरस प्लांट ये प्रोड्यूसर है एज वेल एज और क्या है प्राइमरी कार्निवोर है प्राइमरी कार्निवोर है, है कि नहीं जल्दी से बताइए और इसके बाद जो इंसेक्टिवरस प्लांट है ये आप कह सकते हैं कि ऑक्यूपाई ऑक्यूपाइज फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल एज वेल एज फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल एज वेल एज थर्ड ट्रॉफिक लेवल थर्ड ट्रॉफिक लेवल मतलब ये पहले ट्रॉफिक लेवल को भी ऑक्युपाई कर रहा है और थर्ड ट्रॉफिक लेवल को भी ऑक्युपाई कर रहा है वेरी गुड देखिए अतर अंसारी जी ने पहले ही बता दिया बहुत अच्छे जल्दी से बताइए कितने लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ गया कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्या किसी को कोई कंफ्यूजन है तो ये ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट है ये ट्रॉफिक लेवल सेकंड है और ये ट्रॉफिक लेवल थर्ड है किसी को कोई कंफ्यूजन है इंसेक्टिवरस प्लांट में इतने तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं इंसेक्टिवरस प्लांट से क्या क्या पूछा हमने हमने बताया कि ये नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में प्रेजेंट है इसके बाद ये फीड अपॉन इंसेक्ट टू फुलफिल नाइट्रोजन डेफिशिएंसी इनके पास डाइजेस्टिव ग्लैंड है तो पेप्सिन ट्रिप्सिन एंजाइम है ये ऑटोट्रॉप भी है ये प्रोड्यूसर भी हैं ये कंज्यूमर भी हैं ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं लेकिन सेकेंडरी कंज्यूमर है ये प्रोड्यूसर है प्राइमरी कार्निवोर है ठीक है और ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल और थर्ड ट्रॉपिक लेवल दोनों को ऑकुपाई करते हैं तो ये है आपके क्या हम्म बहुत अच्छे अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि भाई इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं तो एग्जाम्पल में सबसे पहले तो आप लोग नेपेंथीस को ही जानते हैं घटपर्ड़ी ठीक है नेपेंथीस नेपेंथीस एक ऐसा प्लांट है एक ऐसा इंसेक्टिवरस प्लांट है जिसके सारे के सारे पार्ट जो है मॉडिफाइड होते हैं सारे के सारे पार्ट इसके मॉडिफाइड होते हैं हम आपको बता दें कि इसका जो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक लीफ होती है इसके लीफ के सारे पार्ट मॉडिफाई होते हैं जैसे मान लो ये स्टेम है स्टेम से लीफ लगी है तो यहाँ पे की बात करें ना तो ये स्टेम स्टेम है, से जो लीफ लगी हुई है लीफ का ये पोर्शन क्या होता है जो डंडी है ये जानते हैं टेंड्रिल में मॉडिफाई हो जाता है ठीक और लीफ का ये जो लेमिना है ये घड़े में मॉडिफाई हो जाता है ठीक है लेमिना ये किसमें मॉडिफाई हो जाता है घड़े में और लीफ का ये जो टिप है टिप टिप ये आपके ढक्कन में मॉडिफाई हो जाता है ऐसे ढक्कन में समझ रहे हो मेरी बात तो लीफ के सारे के सारे पॉट पा, पार्ट इसमें मॉडिफाइड होते हैं जब हम आपको पढ़ाएंगे अगर ठीक ये जो है पिक्चर है घड़ा मॉडिफाइड लेमिना मॉडिफाइड लीफ लेमिना मॉडिफाइड लीफ लेना ये टेंड्रिल है टेंड्रिल क्या है मॉडिफाइड पिटियोल मॉडिफाइड पिटियोल पिटियोल मॉडिफाई होके टेंड्रिल बना लेता है और ये जो है ये इसका लिड है घड़े का ढक्कन जो कि मॉडिफाइड लीव अपेक्स है मॉडिफाइड लीव अपेक्स है तो ऑल पार्ट ऑफ लीफ मॉडिफाइड लीफ के सारे पार्ट इसमें मॉडिफाई होते हैं ठीक और यहां पे जानते हैं यहां पे इस तरीके से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड कोई बेचारा इंसेक्ट यहां पे आने की कोशिश किया आपको आगे प्लांट में पढ़ाते भी है ना प्लांट में हमने पढ़ाया इंसेक्ट आया इसको इंसेक्ट को यहां से ऐसे खींच लिया ढक्कन मतलब टर्गर प्रेशर चेंज हुआ ढक्कन बंद इंसेक्ट अंदर और यहां इसका जो है खिचड़ी पक गई जोड़ी तैयार प्लांट के लिए हाँ ठीक है डन है सभी को तो नेपथीस जिसको घटपर्डी कहा जाता है पिचर प्लांट कहते हैं चलिए तो पहला एग्जाम्पल क्या है नेपेंथीज है नेपेंथीज को पिचर प्लांट कहते हैं पिचर प्लांट मैम अच्छा ठीक बिरयानी तैयार <laughs> नेपेंथीस को पिचर अच्छा एक चीज और समझना पिचर एक और प्लांट में पाया जाता है जिसको डिस्टिडिया कहते हैं डिस्टीडिया में भी पिचर पाया जाता है पिचर घड़ा लेकिन ये नॉन इंसेक्टिवोरस प्लांट है नॉन इंसेक्टिवोरस इन इंसेक्टिवोरस नहीं है ये एक एपिफाइटिक प्लांट है एपिफाइटिक फाइटिक प्लांट ईपी मतलब इसका जो घड़ा है ई का मतलब कहा था जो स्पेस पैरासाइट होते हैं जो किसी और प्लांट पे बस केवल शेल्टर के लिए जगह के लिए ग्रो करते हैं स्पेस पैरासाइट ये अपने घड़े में पानी स्टोर कर लेते हैं रेनफॉल से जो वाटर वाटर है फिर वो जो है हाँ ठीक तो नेपेंथीज है हाँ सेरासिनिया भी है भाई सेरासिनिया है नेपेंथीज है बहुत अच्छे ये नॉन इंसेक्टिवोरस प्लांट है वेरी वेरी आई एम पी ठीक इसके बाद आते हैं आ, किसकी बात करते हैं ड्रोसेरा ड्रोसेरा को संड्यू कहते हैं ये सब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई है ना को क्या कहा जाता है सनड्यू कहा जाता है सनड्यू यूट्रिक्लेरिया आपने नाम सुना होगा यूट्रीकुलरिया ब्लेडर वार्ट कहते हैं ब्लेडर वार्म नहीं ब्लेडर वार्म अलग है एनिमल में आएगा वो बता दो कहाँ आएगा ब्लेडर वार्ट पिंगूकिला कहते हैं ठीक है ना पिंगला क्यूला पिंगला ठीक है इसको बटर वार्ट कहते हैं डायोनिया, डायोनिया को वेनस फ्लाई ट्रैप कहते हैं ठीक डायोनिया को वेनस फ्लाई ट्रैप कहते हैं इसके अलावा कॉर्क स्क्रू प्लांट किसको कहा जाता है एक हमने आपको बताया था ना जी से कुछ था जेनलीसिया था क्या जेनलीसिया था क्या जेनलीसिया कार्क स्क्रू प्लांट कार्क स्क्रू प्लांट ठीक है कार्क स्क्रू प्लांट हाँ वेरी गुड अक्वेटिक रूट इंसेक्टिवरस प्लांट सारासीनिया सारासीनिया का साइंटिफिक वो कॉमन नेम क्या है ये बता दीजिए एक बार हाँ पैरासाइट बता देना पैरासाइट तो बता ही दिया है पैरासाइट तो बता ही दिया है टोटल रूट पैरासाइट टोटल स्टेम पैरासाइट हाँ ये भी पिचर प्लांट ही है सरसिनिया ही पिचर प्लांट है ठीक पिचर प्लांट है जिसको ट्रम्फेट पिचर प्लांट कहते हैं अमेरिका में पाया जाता है ट्रम्फेट पिचर नॉर्थ अमेरिका तो अब आप देख लीजिए ये पूरा का पूरा आपको एकदम अच्छे से सारी चीज समझ में आ गई ये नेपेंथीज पिचर प्लांट है प्रोसेरा संड्यू है यूट्रिकुलरिया ब्लैडर वार्ट है पिंग्यूकिला जो है बटर वार्ट है बटर वार्ट वार्ट रहेगा ठीक है डायोनिया वेनासफ्लाइट ट्रैप है जेनलिसिया कॉर्क स्क्रू प्लांट है ठीक है और सारा सीनिया जो है वो ट्रंप पिक्चर है तो जल्दी से बताइए आप सभी को ये समझ में आ गया हम्म हाँ बिल्कुल ट्रांसड्यूसर को ही प्रोड्यूसर कहा जाता है ट्रांसड्यूसर को ही प्रोड्यूसर के नाम से जाना जाता है अच्छा सारा सीनिया को डेविल्स बूट भी कहते हैं क्या मुझे नहीं पता है एक बार बता दीजिए डेविल्स बूट कहते हैं चलो ठीक है डेविल्स बूट कहा जाता है बहुत अच्छे अब बताइए आ गया सभी को यहां तक कोई दिक्कत